हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में, मतलब चेहरे के हाव भाव। शुरू करते हैं। पहला है शी वाज बीमिंग, मींस वह बहुत ज़्यादा खुशी थी, उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। शी हैड अ बिग रेडियंट स्माइल। चलिए दूसरा देखते हैं, द किड्स वर स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब इसका अर्थ ये नहीं कि कानों कान मुस्कुरा रहे थे, ये एक्सप्रेशन है डिस्क्राइब करने का, बिग स्माइल मतलब बच्चे बहुत खुश थे। तीसरा है ही लुक्ड पजल्ड, अर्थात वह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिख रहा था। अगला है शी ग्रिंड, अर्थात हैड ए स्मॉल स्माइल। इसका मुख्य अर्थ होता है कि वह शरारत करने के बाद मुस्कुराई, अर्थात शरारत करने के बाद जो बच्चे मुस्कुराते हैं ना, थोड़ा बदमाशी टाइप का, तो शी ग्रिंड। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विंस्ड व्हेन द डॉक्टर गेव हिम एन इंजेक्शन। जब आपको इंजेक्शन लगता है तो आपके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस आते हैं, दर्द वाले एक्सप्रेशन ऑफ पेन, तो वहाँ ही विंस्ड बोला जा सकता है कि वह दर्द से, मींस फिजिकल पेन से जो एक्सप्रेशन निकले हैं, तो उसके लिए विंस्ड का यूज़ किया जा सकता है। सिक्स है शी गेव मी अ डर्टी लुक। डर्टी लुक का अर्थ होता है कि वो उसने मुझे बहुत गुस्से से देखा, अर्थात उसने मुझे क्रोध से देखा। इसको और भी तरीके से बोल सकते हैं, जैसे शी ग्लेयर्ड एट मी, शी ग्लोवर्ड एट मी, या शी लुक्ड डैगर्स एट मी। इन सभी का अर्थ होता है कि गुस्से से देखना, जैसे कभी कभी हम इशारे से किसी को गुस्से से देखते हैं बिना कुछ बोले, और वह समझ जाता है कि भाई ये काम नहीं करना है या नहीं करना था। अगला है हिज आईज वर ग्लेज्ड ओवर। इसका अर्थ आप ऐसे समझ लो जैसे आप बहुत देर तक कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं, तो आपकी जो आँखें होती हैं वो अनफोकस्ड हो जाती हैं, या जब कोई वाइन पी के आता है, लिकर मतलब शराब, तो उसकी आँखें स्थिर नहीं हो पाती हैं, तो उसको भी हम बोलते हैं ग्लेज्ड ओवर। नेक्स्ट है व्हाई द लॉन्ग फेस, इनफॉर्मल वे है, बोल सकते हैं कि तुम इतने दुखी क्यों हो, मीन्स व्हाई आर यू सो सैड, Why do you look sad? या why are you upset? तो why the long face? Informal तरीका है ये। And the last one is her expressions was unreadable. Means you can't know what she was thinking या she is thinking, या क्या आप समझ में नहीं आता कि भाई वो क्या सोच रहा है, उसकी आँखें और हाव भाव से मालूम नहीं चलता है, तो बोलते हैं unreadable। बहुत से expressions होते हैं और हम डेली यूज भी करते हैं, स्वतः यूज़ करते हैं, और साथ में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड और कई जगह आप यूज़ करते हैं, तो क्या आप वाकई में जानते हैं इन सभी स्माइलीज का क्या अर्थ होता है, या आप बस शेयर करते रहते हैं? आज जानिए मेरे साथ उन सभी एक्सप्रेशंस को जो हम सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं। देर आर मैनी एक्सप्रेशंस, आई एम गिविंग यू सम ऑफ देम, प्लीज़ रीड देम एंड ग्रेस्प देम, और यू कैन हैव अ स्नैपशॉट ऑफ देम ऑल्सो।